हाँ, गाड़ी में गियर लगा, न्यूट्रल में चला रहा तू। भाई की प्रॉपर्टी पर आया यहाँ पर तो ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा मेरे को, पनीर टना टन का। ये है भाई ठिकाना जहाँ पे आपको है खाना। तो 12:23 हो गए, अपन आ गए पंकज भाई के घर पे। हे गाइस, तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे जयपुर से हमारा उदयपुर के लिए सडन प्रोग्राम बन जाता है और हम निकल चलते हैं जयपुर उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से। और भाई सेकंड सीटिंग के कोच में अपन इस सफ़र को तय करते हैं। इस रूट पर पड़ने वाली हर एक चीज़ को आपको दिखाते हुए और नए लोगों से मेलजोल बढ़ाते हुए अपन पहुँच जाते हैं चित्तौड़गढ़, जहाँ हमें वंदे भारत देखने को मिलती है। और इसके बाद अपन पहुँच जाते हैं उदयपुर, जहाँ पर अपने को पंकज रिसीव करता है। और अब देखिए आगे। और ये है भाई पंकज। कितनी देर हो गई तेरे को? चल 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 बैठ यार। गलियों तेरी गलियों। ये है उदयपुर। हाँ उदयपुर आ गए भाई। ठंड के मौसम में मजा आ रहा है, लेकिन माहौल जमाएंगे। हाँ, महाराणा भोपाल सिंह के बाद में सबको यहीं पे लाया। क्या नाम है इसका? माँ सतिया छत्रिया। माँ सतिया, उदयपुर का सबसे बड़ा है मॉल, अर्बन स्क्वायर मॉल भाई। लाइफ स्टाइल दिख रहा है बाहर ही बाहर, शानदार है यार। थोड़ा ऑथेंटिक वैसा दिया इसको लुक है। ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, वो फॉर्मूला वन टाइप की। हाँ, दिख रहा भाई, फॉर्मूला वन का जो है ट्रैक बना हुआ पूरा, और अर्बन स्क्वायर मॉल है वो यहाँ का सबसे बड़ा। टाइम हो गया 10:09 और अभी अपन हाईवे पे घूम रहे हैं। भाई पंकज, गाड़ी में गियर लगा, न्यूट्रल में चला रहा है तू। लो भैया अपन पहुंच गए अपने ठिया पर, संकल्प यही है। Wow. भाई की प्रॉपर्टी पर आए हैं यहाँ पर, तो थोड़ी देर यहाँ पे अपन रिफ्रेशमेंट लेंगे। भाई का नाम क्या है? जितेश। जितेश। और अभी देखो प्रॉपर्टी पे अभी जस्ट आए हैं, 10:19 हो चुके हैं और भाई अपनी प्रॉपर्टी का टूर करवा रहे हैं अभी। तो थोड़ा सा अपन यहाँ घूमते हैं और भाई ने अच्छा खासा अरेंजमेंट कर रखा यार, अल्टीमेट। तो भाई ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, वो यहीं पर ही देखा था। यही की स्टोरी डाल रहा था तू, यही की स्टोरी डाल रहा था ना। तो गाइस ये इनका किचन है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा है भाई। चलो निकले यहाँ से। ये पूरा नाथ द्वार वाला हाईवे है, ये वाला जो आपको सामने दिख रहा होगा इस्कॉन टेम्पल, ये जो लाइट लगी ना। हाँ, ये वाला इस्कॉन टेम्पल का काम चल रहा है यहाँ पे। ओ भाई शानदार प्रॉपर्टी, ऊपर होटल है क्या? वो होटल है। अच्छा अच्छा, देखो यार कितना अच्छा डेकोरेशन कर रखा है। ये देखो भाई कितनी अच्छी अच्छी कलाकारी की हुई है। ये होटल रूम, वो जो गार्डन में पार्टी हो रही है वो ये शायद यहाँ से दिख जाएगा। वो देखो अभी अपन वहीं बैठे थे और ये मैं रहा। सही बना रखा यार आपने तो भाई का होटल है पूरा। तो भाई अंदर तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, जिस वजह से मैं अंदर रिकॉर्ड नहीं कर रहा था ज़्यादा, जो साउंड अभी बाहर भी आपको सुनाई दे रहा हो। और अभी अपन डिनर करने के लिए बाहर जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं भाई डिनर करने के लिए? पता नहीं है, बस निकल रहे हैं। तो ये नाथ द्वारा वाला रोड है और भाई के सामने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि इस्कॉन का टेंपल है जो बन रहा है पहाड़ी के ऊपर, और उसके जस्ट अपोजिट में अपना ये होटल है श्री संकल्प ग्रांड, काफ़ी शानदार।
हाँ रेस्टोरेंट भी अच्छा है, लेकिन अभी अपन को बाहर खाना है भाई। एसी बंद करो भाई। अच्छा मैं एसी चालू कर दिया, हीटर भाई ऑन कर दिया जान बचाने के लिए। भाई ये पूरा रोड ढाबों से भरा पड़ा है, तुलसी ढाबा, बाहुबली ढाबा। भाई यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट लेकर आया भाई अभी पंकज, न्यू जम्मू हिमाचल रेस्टोरेंट एंड ढाबा। अच्छा हितेश, तो हितेश भाई लेकर आए यहाँ पे, ये दोनों भाइयों का कोलेबोरेशन है जो भी है। भाई खाना वाना ऑर्डर कर लेते हैं, और रात के अभी बज रहे हैं 11:18, इससे पहले कि नींद आने लग जाए डिनर कर लेते हैं पहले। ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा मेरे को, पनीर टना टन का। यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, यू विल सर्व। पंकज यार दिस इज नॉट फेयर यार, ये क्या है? सेव पूरी, सेव टमाटर, सेव टमाटर की सब्जी है, और ये है पनीर टनाटन, और ये गार्लिक नान। भाई देख के मुंह में पानी आ रहा है। खाना बहुत ज़्यादा तीखा है भाई, पंकज जो ने तो हथियार डाल दिए। अच्छा था, अच्छा था खाना, अच्छा है। हाँ दिख तो रहा है अब साला, यहाँ तक चल रहा है। भाई खाना हमने बोला था स्पाइसी लेकर आना, लेकिन यार भाई इतना स्पाइसी कर दिया, एक्स्ट्रा ही कर दिया यार, पसीने आ गए सर्दी में भी। हाँ है लेकिन अच्छा है यार, बाकी तीखा ज़्यादा है बाकी टेस्ट अच्छा है। तुमको चाहिए था स्पाइसी पनीर, स्पाइसी तीखे को ओवरकम करने के लिए मीठा लिया जा रहा है। तो भाई 12:15 बज चुके हैं, अब यहाँ से आपका बैग लेना है, और पंकज कह रहा है कि उसके घर चलना है, तो भाई इतना प्यार से कोई इनवाइट करता है तो उसको मना भी नहीं किया जा सकता। तो अभी बैग लेते हैं होटल से और उसके बाद चलते हैं। और खाना यार सही सही था, मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको, तो खाना सही था। ये है भाई ठिकाना जहाँ पे आपको है खाना, न्यू जम्मू हिमाचल रेस्टोरेंट एंड ढाबा। स्पाइसी मत बोलना वरना बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर देंगे। क्यों भाई स्पाइसी बोलोगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर देंगे। बाकी सही था। चलो तो भाई स्पाइसी के नाम पे उन्होंने इतना एक्स्ट्रा स्पाइसी दे दिया कि हमसे खाया नहीं गया ज़्यादा, लेकिन हमने पेट तो भर गया ना सबका। हाँ सबका ऑलमोस्ट पेट तो भर चुका है, और अब चलते हैं घर पे सोते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना है 4:30 बजे, ऐसा पंकज का इंस्ट्रक्शन है भाई के। परेड कराएगा मेरी ये सुबह सुबह। भाई जो क्राउड आया बाहर से वो तगड़ा भी इंजॉय कर रहा है अंदर, और अपन को यहाँ से निकलना है अभी क्योंकि पंकज भाई के यहाँ जाना है अपने को। स्मार्ट सिटी ऑफ वेलकम। भाई हितेश अपने को यहाँ पे ड्रॉप करके चला गया, भाई पंकज की खातिरदारी करवाने के लिए आ गए अपन। पुलिस थाना बड़गांव। अरे पुलिस थाने के बगल में है क्या मकान? सबसे सेफ जोन में है तेरा तो यार, तू तो घर में ताला लगाने की जरूरत नहीं है तेरे को। 12:23 हो गए अपन आ गए पंकज भाई के घर पे। पुलिस नाक आपको लग रहा होगा भारी भारी सी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा यार अभी यहाँ पे, और आपको दिख रहा होगा पीछे पूरे पहाड़ वगैरह है, और सुबह इसका जो नज़ारा आएगा ना वो अल्टीमेट आएगा, जैसा कि भाई इतना बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, तो देखते हैं कितना अच्छा नज़ारा होगा। वैसे अभी से ही लग रहा है मुझे क्योंकि आपको दिख रहा होगा चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, अभी अंधेरे में शायद इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कैमरा। वो पहाड़ी पे मंदिर है और उसमें अभी भजन कीर्तन चल रहा है अगर आप गौर से सुनो तो, और एक उस तरफ है और वो राणा प्रताप का है ना वो, और वो महाराणा प्रताप का स्मारक ही बना रखा क्या वो बैठे हुए? ओ हो, तो भाई ये सुबह दिखाऊंगा मैं आपको। तो अभी ये थोड़ा सा लकड़ियाँ जला लें, इसके बाद हाथ ताप के अपन थोड़ा सा बैठते हैं और उसके बाद सोएंगे। टाइम देख लो फिर भी, दोबारा दिखा रहा हूँ 12:24 हो गए। तो भाई चाय भी आ गई काफ़ी नीचे यार, तो काफ़ी डिस्टेंस पे है ये, हाईवे पे बना वो मंदिर। जी अपन आ गए हैं सास बहु मंदिर। देखो गाइस हिम्मत और नहीं मच, ये टाइम चला दिसंबर का टूर, दिसंबर यहाँ देखो